ठीक है आपने बोल दिया कि प्लाईवुड इज अ ग्रेट मटेरियल बट व्हेन दे गो टू बाय प्लाईवुड दे गेट वेरी कंफ्यूज्ड सो देयर विल बी वन प्लाईवुड फ्रॉम 50 रुपीस पर स्क्वायर फीट टू 200 रुपीस पर स्क्वायर फीट आई मीन देयर सो मेनी ग्रेड्स देयर सो मेनी कंपनीज लाइक कोई बंदा हाउ डज ही डिसाइड कि मेरे को ये चाहिए नहीं नहीं मैं आपको बोला ना डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द लाइक बैंगलोर का कोई आदमी है सो आई एम गोइंग टू परचेस प्लाईवुड सो जस्ट टेल मी हाउ आई शुड मेक द डिसीजन ओके सपोज यू आर इन बैंगलोर सी बैंगलोर थोड़ा सा है ड्राई क्लाइमेट है उसके अंदर हाँ ठीक है ओकेशनली रेन होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर तो यहाँ पे ऐसा नहीं इवन आप यू गो फॉर ए कॉमर्शियल प्लाईवुड दैट इज अल्कली व्हाट इज कॉमर्शियल प्लाईवुड शुड आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज अल्कली प्लीज एक्सप्लेन या आई टोल्ड यू दिस इज लाइक दिस इज द वुड बेसिक दिस इज द बेरिक रॉ मटेरियल देर इज ए ग्लू रिक्वायर्ड तो दे हैव टू डू द दिस इन ग्लूइंग ऑफ द कोर ठीक है इट स्टार्ट्स विद वन पहले क्या सब लोग यूरिया यूएफ बॉन्डेड दैट इज यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड समथिंग लाइक ये जो फेविकोल आता है ना आप उसको देखिए स्मेल आएगा उसके अंदर फेविकोल नहीं तो आज फार्मर्स खेती में जो यूरिया है यूरिया एंड फॉर्मेलिन यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड यूज करके दैट इज ए ग्लू वो नॉर्मल लाइक फेविकोल का है टाइप में आता है उसके अंदर उसको आप उसके आप कर सकते हैं उसके अंदर ये हो गया कॉमर्शियल प्लांट अच्छा इसमें भी बाद में चेंजेस आ गए इसका एक डिसएडवांटेज क्या है उसके अंदर इसमें इट टू लिमिट उसमें से ये फ्यूम्स आ जाएगा उसके अंदर सेंस स्मेल सपोज यू आर यूजिंग आप एक कोई भी प्लाईवुड लोकल प्लाईवुड का किसी का शॉप में नहीं तो गोडाउन के अंदर आप चले जाइए उसके अंदर आपका आंख चलना शुरू हो जाएगा बिकॉज इट्स ए एमिशन ऑफ यूरिया इसके वजह से अभी क्या किया लोगों ने ये कमर्शियल प्लाईवुड लेकिन कमर्शियल में भी ये इश्यू आने से इसके अंदर क्या सपोज ये पानी में रहेगा कुछ बारिश में भीग जाएगा उसके अंदर कहीं भी थोड़ा कुछ अब्सॉर्ब आएगा दिस विल गेट सेपरेटेड Because okay. that glue is dissolved in water. It's not even strong. It will get dissolved in water. तो ये सब अलग अलग हो जाएगा इसका इसलिए आपको delaminate totally split हो जाएगा अभी क्या किया लोगों ने थोड़ा सा ये यूरिया फॉर्मेलिन कोई भी नहीं यूज़ कर सकता हाँ ठीक है कॉस्ट इसका कम है तो वहाँ पर तो नेक्स्ट इज उसमें अभी क्या किया एम यू एफ मेलामिन यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड मेलामिन इट्स ए सुपीरियर क्वालिटी सो मेलामिन विल गिव ए सपोज उसका परसेंटेज के हिसाब से सपोज बट 2% 3% 5% 6% मेलामिन के हिसाब से कंटेंट इंक्रीज करने से That glue will be पक्का इसके आ जाता है ये आता है एम आर ग्रेड में मॉइस्चर रेसिस्टेंट एम आर ग्रेड दिस इज नॉर्मली दैट स्टार्ट विद कॉमर्शियल प्लाईवुड को बोलते हैं एम आर ग्रेड उसके अंदर इसके एम आर ग्रेड में भी एक आज ग्रेड आगे एम यू एफ बॉन्डेड मेलामिन यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड नॉर्मली उसका एक्चुअली आप देखिए ना फॉरिन कंट्रीज में फिनॉल बैंड है तो नेक्स्ट इज फिनॉल दैट इज हायर वेराइटी ऑफ दिस इंग्रेडिएंट्स तो वहाँ पे जो क्या करते हैं यही मेलामिन का कंटेंट इंक्रीज करके सो दैट द रेसिस्टेंट पावर विल इंक्रीज तो 2% 3% इसमें ऐड करने से सपोज इफ 7% बिकॉज दैट इज हर्साडस केमिकल इट इज इसमें नहीं होगी इंडिया में क्योंकि जो भी कोई नहीं होता इंडिया में होता है ठीक है हम लोग को ऑप्शन भी नहीं है अच्छा ये आ गया एम ई एफ नेक्स्ट इज एम ई एफ ये सब प्लाईवुड है जैसा ये सब है उसके अंदर दिस इज ऑल लाइक एम ई एफ बॉन्डेड Just to show on the camera, this is MUF bonded. MUF bonded. This is stronger than your normal commercial plywood. Yes. Stronger in the sense, इसमें इड होने जैसे आपने इससे घर पे बनाओगे उसके अंदर आप कमरे के अंदर बैठ नहीं सकता That will have that urea emission. It is you okay. will burn your eyes. Okay, but this won't. No, MEF won't. Okay. एक advantage उसके अंदर इसलिए लोगों ने आज discard कर दिया. Grade क्या नाम है? MR grade. This is also MR grade. Okay. Moisture resistant only. Okay. लेकिन glue इसे better than normally पहले जो use करता था urea formaldehyde. Okay, okay. MEF glue use करना शुरू कर दिया उसके अंदर. This is also this is इसके अंदर भी एक grading है. जैसा 303, IS 303. This is MR grade. मॉइस्चर रेसिस्टेंट इसमें नेक्स्ट इज BWR BWR में ऐसा होता है उसके अंदर इसमें नॉर्मली ये जो बॉन्डिंग का जो ग्लू है दैट नॉर्मली दे चेंज इन टू फिनॉल देखिए आज फिनॉल इज स्लाइटली एक्सपेंसिव आज मैं आई एम गिविंग अ फैक्ट इट इज लोग दे डू द मॉडिफाइड ग्लू दे मिक्स MUF एंड फिनॉल हाँ यू कैंट से दैट इट इज मोर ऑफ देन द ग्रेड विल कम डाउन इट इज सो इवन MUF कैन विदस्टैंड दिस थिंग इट इज इट्स दिस सो व्हाट डज BWR स्टैंड फॉर बॉइलिंग वाटर रेसिस्टेंट दैट इज आल्सो एज पर IS 303 ओनली 303 दैट इज द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सो BWR मतलब लिटरली क्या प्लाईवुड को अगर नो 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 देखिए नॉर्मली नहीं नहीं आपको मैं बता देता हूँ एम आर ग्रेड तो उसमें ये नहीं कोई टाइम नहीं बोलता उसके अंदर इसमें हाँ ठीक है सपोज इफ दिस पीपल स्टार्टेड यूजिंग एम ई एफ ब्लू इट कैन विदस्टैंड इवन अगर आप पानी में भी डाल के आप लेके रख लीजिए कुछ नहीं होता एक दिन में पानी में डाल दीजिए इसके लिए कि उसके अंदर एम ई एफ ब्लू के हिसाब से बी डब्ल्यू आर में नॉर्मली एज पर आई एस एस स्टैंडर्ड्स 8 आवर्स बॉइलिंग में रहना चाहिए
तो लेकिन आज वाई शुड somebody boil the furniture it is. हाँ, this is just to एक term ऐसा है because it can withstand 8 hours boiling, it can withstand the time climatic condition. थोड़ा आगे पीछे अगर summer में है, winter में है, बारिश में है, उसको कुछ नहीं होता. उसको just to give this thing it is, this will going to last so many years it is. Otherwise, yes, boiling water कुछ भी नहीं होता उसके अंदर. Oh my god, wow. Next is BWP grade. Normally BWP is मतलब इसमें boiling waterproof grade. So, इसमें क्या glue change होता है? Glue change हो जाता है उसका. Timber will remain the same it is. मैं आपको बोला था. अगर आप wood is the same. हाँ, ये आपको ऐसा कि there are different types of wood. Suppose आप poplar से बनाएंगे, because the poplar का quality उतना है, because it is cut after 7 years 8 years. हाँ, थोड़ा strength है, but nothing will happen it. हाँ, there are if you go with the silver, slightly better wood. हाँ, eucalyptus. It is certainly better. There are BWP में कौन सा use होता है? BWP any timber can be used. पहले था ये नहीं use करना वो नहीं करना, but there are so many amendments has come in IS Bureau of Indian Standard के लिए. आप उसमें अंदर जो भी species है, it can last long. BWP means boiling water proof. मतलब कुछ भी नहीं होता कितनी इसके अंदर भी इसके अंदर के boiling water proof में क्या ना जिसमें phenol का this will be 100% phenol bonded it. Okay. It won't affect me in any way. No, but है issue है because this is phenol also, it's a hazardous chemical it is. Okay, to normal people, jo furniture kara hai. Furniture kara hai, dekhiye, it is a health hazard only. But no problem because it is not that kind of, itna emission nahi hai uske andar. It's a limited. To waisa normally, aapko mujhe ye nahi bola uske andar. Maine abhi main apne ghar pe reh raha hu. It is all like phenol bonded. Last 15 years I'm there, it is. Nothing, but phenol is like itna नहीं है उसके अंदर फिनॉल इज देयर इज इट्स अल्टरनेटिव क्या है फिनॉल का देखिए आज लोग क्या करते हैं एमईएफ का यूज करते हैं मतलब इन यूरोफॉर्मली है इसका इसके अंदर उसमें वहां पे अल्टरनेट देखिए आज इसमें है जैसा देयर आर सर्टेन डूस इट वोंट एमिट बट द प्रॉब्लम इज दैट बॉन्डिंग का प्रॉब्लम ये सब इश्यूज आता है स्ट्रेंथ में दैट्स व्हाई फिनॉल इज ओके फिनॉल सर्टेन एक्सटेंट वैसा नहीं होगा था बिकॉज़ आप इतना ज्यादा कॉशियस होता देन यू हैव टू थिंक ओके बिकॉज़ सी यू हैव टू कम आउट ऑफ योर हाउस एंड द व्हाट द एयर यू आर गोइंग टू like breathe it is dangerous than what you have the phenol what you have used it so usme wo nahi hota kyunki aaj itna pollution hai ha it is you are safe at your home it is better isliye ha theek hai this is a it's a hazardous chemical but okay but how strong is bwp like kitni der bwp ka content aisa hai 72 hours boiling water my god 72 hours that is also continuously you have to this thing in the water 72 hours only then you get the certificate this is mainly used in marine like boat शिप तो वहाँ पे यूज करता है बिकॉज देर माइक्रो लाइक ऑर्गेनिजम्स है उसमें अटैक करेगा ये है वो है उसके अंदर उसमें तो हमने की बोट के लिए वगैरह यूज करता है उसके अंदर उसमें घर में भी यूज करते हैं लोग हाँ घर पे क्योंकि वाटर प्रूफ जहाँ पे होगा वाटर प्रूफ जैसा किचन में है समथिंग लाइक इट विल गेट इन टू कम इन टू कॉन्टैक्ट विद वाटर तो उसके लिए आप उसके MR यूज करने से क्या होता है उसके अंदर उसमें इमिडिएटली कुछ नहीं होगा उसके अंदर उसमें कंटिन्यूसली जैसा किचन में वाटर यूज हो जाए कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ तो वाटर इट विल सिप इन टू उसमें हो जाएगा एडजस्ट में होगा क्योंकि कभी कभी होता है एज बाइंडिंग किया हो रहता है थोड़ा बाद में उसके अगर था ना कि पानी आ जाता है उसके वजह से स्टार्ट गिविंग प्रॉब्लम वेयर एज इसके अंदर जैसे बॉइलिंग वाटर प्रूफ में कुछ भी नहीं होता नॉर्मली बैंगलोर का कॉम्बिनेशन ऐसा है फॉर इनसाइड फॉर लाइक कबोर्ड्स दिस थिंग यू गो फॉर अ बेटर क्वालिटी कॉमर्शियल प्लाईवुड MR ग्रेड गुड क्वालिटी हाँ वेदर इट इज गुड depends upon the timber what kind of timber you came whether you are given so, any so if treatment. I'm going to buy so if I come to Kitply for example when you say good quality commercial grade MR so what am I supposed to buy